इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। सरकार की दमनकारी योजना निजीकरण के खिलाफ बैंकों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने जमकर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इन दिनों केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा विभागों का निजीकरण करने के लिए लगी हुई है। इसके विरोध में आज पूरे भारत में बैंकों ने हड़ताल किया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस कड़ी में आजमगढ़ के सभी बैंकों की सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने एक होकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 4 बैंकों का निजीकरण करने के प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने एक होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं बैंक संगठनों के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर भी नारेबाजी की, जहां बैंकों के संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से हर सरकारी विभाग को बेचना चाहती है और अपने कर्तव्यों से भागना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा कुछ बड़े घरानों को मिल सके। और इस सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही सरकार है, मनमानी तरीके से सरकार चलाना चाहती है। सरकार की निजीकरण योजनाओं से साफ जाहिर है कि वह जानबूझकर सभी विभागों को प्राइवेट करना चाहती है, ताकि सरकार को कोई काम ना करना पड़े और राजगद्दी पर बैठकर तानाशाही तरीके से राज चलाते रहें। ऐसे में हम बैंक कर्मचारी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर निजीकरण की योजनाओं को वापस नहीं लिया गया तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सरकार की योजनाओं को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। यह सरकार पूरी तरह से अंबानी और अडानी की गुलाम हो चुकी है। अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार निजीकरण की तरफ झुक रही है। वहीं संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने भी कहा कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो गरीब जनता को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सरकारी बैंकों द्वारा जो सुविधाएं जनता को कम पैसे में मिलती हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, जिससे गरीब जनता बर्बादी की तरफ लुढ़कते चली जाएगी। ऐसे में राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण होना बहुत ही गलत है और किसी भी कीमत पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। यह सरकार जो NDA सरकार है, ये सिर्फ बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि जितनी भी इस देश में PUC संस्थाएं हैं सबका निजीकरण करने की जो है एक निजीकरण करने पर तुली हुई है। हम इसके विरोध में हमारे संगठन ने 2 दिन की ये हड़ताल निकाल दी है। हम लोग 2 दिन सारे बैंक बंद हैं। इसके पहले इस सरकार ने BSNL को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया और तमाम संस्थाएँ ये बंद करने जा रहे हैं। इसके विरोध में, ये सरकार के विरोध में सब लोग जो है आज यहाँ उपस्थित हैं और ये स्ट्राइक की काल है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों का जो है भला करने के लिए कभी बैंक बेच रही है, कभी BSNL बेच रही है, कभी जो है रेलवे बेच रही है, कभी किसानों का जो है इतना बड़ा 110 दिन से स्ट्राइक चल रही है। ये सरकार सिर्फ निकम्मी सरकार है और ये इस देश को बेच डालने पर तुली हुई है। हमारे मांगे जो आज 4 बैंकों को निजीकरण के में ढकेला जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB और सेंट्रल बैंक, ये 4 बैंकों का उन्होंने निजीकरण करने पर अनाउंसमेंट कर रखा है। हम उसके विरोध में आज जो है ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये 2 दिन की स्ट्राइक है, इसके आगे हमारे जो संगठन है वो निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं। आज हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें 5 कर्मचारियों की और 4 अधिकारियों की यूनियन है, ये 9 यूनियनों का एक छत्ता है, अम्ब्रेला है, जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसको बोलते हैं, उनकी कॉल पे ये दो दिन की हमारी स्ट्राइक है 15 और 16 मार्च की। और आगे जो है अभी 15-16 के बाद 17 तारीख को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्ट्राइक है और 18 तारीख को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्राइक है। ये जो 4 दिन की बीमा और बैंकिंग की जो स्ट्राइक है, ये भारत सरकार के निजीकरण के विरोध में है और भारत सरकार जो ये निजीकरण कर रही है, ये सभी बैंकों में से फिलहाल और इंश्योरेंस सेक्टर से अपनी पूंजी जो है उनकी कहीं 80% है, कहीं 85% है, कहीं 65% है, वह निकाल करके और वह अपने
आकाओं को देना चाहती है, वो इस तरह की चीज़ों में लगाना चाहती है, जैसे कॉरपोरेट घराने आपने सुना होगा अडानी और अंबानी, इनके ऐसी चीज़ों में लगाएगी जो इनको फ़ायदा होगा, इनको खुश करेंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में इनसे 20,000-50,000 करोड़ रुपए लेकर के और ये अपनी पार्टी के एजेंडा को सफल करेंगे, ताकि ये फिर से पावर में आ पाएँ। इनको आम जन से कोई मतलब नहीं है। भारत आपने सुना होगा एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इनको कृषकों से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बैंकों में जा करके कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने गरीब लोग आते हैं, जिनके स्तर को आप समझ सकते हैं। आप मेरे समझ से आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप एक किसी प्राइवेट बैंक में एक सामान्य जन जाने की हिम्मत नहीं होती है, और अगर प्राइवेट बैंक हो गए हम जैसे जो ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो एक आम जन जिनके खाते हैं वो बहुत परेशानी में हो जाएंगे और वो उन खातों को चला नहीं पाएंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से एक आम जनों को ये परेशान करने की एक उनकी चाल है, और इसी के विरोध में हम बैंक जन इस पे 2 दिन के स्ट्राइक में है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।